सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर एक बड़ी खबर आई है अभी, बड़ा सेटबैक यानी एक बड़ा झटका कंपनी को लगा है और कंपनी के निवेशकों को। ठीक है, क्या आप लोग देखोगे अभी बहुत से जगहों पर अपडेट आ रही है कि जो ये स्टॉक है वो डिलीस्ट होगा, ऐसी खबरें आ रही है मार्केट में। क्यों होगा, क्यों नहीं, 26 तारीख को आप लोग देखोगे इसके ऊपर एक्शन लिया गया है कल के दिन एक्सचेंजेस की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला, डिटेल में आपको समझाएंगे। क्या सच में आपका जो पैसा लगा है यहाँ पर वो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंपनी डिलीस्ट हो गई तो जीरो है भाई। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से स्टॉक में जो कुछ मिल रहा है वो लेके निकलना चाहिए या फिर नहीं। और ये देखो भाई, ये काम क्यों हुआ है, क्यों नहीं, बहुत से निवेशकों के कमेंट है इस शेयर को लेकर। तो वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 14.20 रुपये के भाव में स्टॉक हमें देखने को मिला है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कल के दिन स्टॉक में 3.5% के आसपास की गिरावट रही है। 12.9 मिलियन यानी कि 1,29,00,000 के आसपास की वॉल्यूम भी आते हुए नजर आई है। तो चलिए भी जानते हैं डिटेल में आखिरकार क्या एक्शन लिया गया है और उस एक्शन की वजह क्या है और उसका इफेक्ट आने वाले टाइम में कैसा रहेगा स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड BS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये न्यूज़ देखने को मिली है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ब्राइटकॉम ग्रुप के जो पुनर्वर्गीकरण के कारण आप लोग देखो NSE ने जो सूचकांकों को पुनर्संतुलित किया है, यानी कि जो भी इंडेक्स है NSE इंडेक्स है उनका जो है आप लोग देखोगे रीशेड्यूलिंग किया गया है, फिर आप लोग देखो पुनर्संतुलित किया गया है उनको। ठीक है, चेंजेस किए गए हैं और क्यों किए हैं चलिए देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने ब्राइटकॉम ग्रुप को जेड श्रेणी में डाला जो अभी पुनर्वर्गीकृत करने के बाद अपने सूचकांकों को में समायोजन की घोषणा की जो 26 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। और यह परिवर्तन NSE परिपत्र NSE या फिर जो आप लोग CML दिनांक 15 अप्रैल 2024 पर आधारित है। तो 15 अप्रैल को आप लोग देखोगे कंपनी को कुछ एक चीज़ों को लेकर बोला था जो भी NSE एक्सचेंजेज होंगे, और अभी के टाइम आप लोग देखोगे थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया NSE के अंदर। ठीक है, तो ऐसे में 26 अप्रैल को जो ना भी ये सारा का सारा जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस का ये जो एक्शन है वो यहाँ से आप लोग देखोगे 26 अप्रैल से लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। जेड श्रेणी क्या है उसमें भी आपको बताएंगे, जेड कैटेगरी क्या होता है। और यहाँ पर देखोगे पुनर्संतुलन 25 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति पर प्रभावी होगा और जिसमें निम्नलिखित सूचकांक जो है प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, जैसे निफ्टी माइक्रो कैप 250 और निफ्टी टोटल मार्केट, इनसे ब्राइटकॉम ग्रुप को आप लोग देखोगे इन दोनों सूचकांकों से हटा दिया जाएगा। और सुप्रीम पेट्रोकेम और आप लोग देखोगे इसका जो है प्रतिस्थापन यानी ये इसके जगह पर नया जोड़ा जाएगा, इससे पहले पेट्रोकेम इससे बाहर था अब इसके अंदर आ जाएगा और जो ब्राइटकॉम वो बाहर आ जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे में आप लोग देखोगे भी निफ्टी 500 वैल्यू 50 ब्राइटकॉम ग्रुप को इंडेक्स से बाहर रखा जाएगा, इस इंडेक्स से भी बाहर कर दिया जाएगा और इसकी जगह लेने के लिए आप लोग देखोगे IIFL फाइनेंस को शामिल किया जाएगा। तो दो इंडेक्स से बाहर होना, क्या यहाँ से कंपनी डिलीस्ट हो जाएगी क्या, तो ऐसे बहुत से निवेशकों के कमेंट। तो आप लोग देखोगे ये खबर हमें देखने को मिलने के बाद जो सभी निवेशक हैं वो बिल्कुल परेशान है इसको लेकर कि भाई अब इसको होल्ड करके रखें या फिर क्या करें। तो सबसे पहले आप लोग जानो भी आखिरकार जेड कैटेगरी क्या होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्यों डाला गया, क्यों इसको इंडेक्स से बाहर किया गया, चलिए दिखाते हैं डिटेल में। जैसा कि आपको पता होगा अभी कैटेगरी तो बहुत सारी होती है, जैसे T2T हो गया, B या फिर Z स्टॉक्स क्या होते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं डिटेल में। जैसे T2T ये सब कुछ तो आपको पता होगा, S T2T श्रेणी हो गया, S हम जानेंगे Z, ठीक है, Z श्रेणी यानी Z कैटेगरी आखिरकार क्या होता है और क्यों इसमें डाला गया है। देखो Z श्रेणी में शामिल किए गए स्टॉक वे हैं जो एक्सचेंज की लिस्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहते हैं, ठीक है, या निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में विफल हो सकते हैं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर दोनों ही काम हुए हैं, एक तो जो एक्सचेंजेस की लिस्टिंग की जो भी इनकी आप लोग देखोगे भी आवश्यकताएं हैं उनका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद निवेशकों की बहुत सारी शिकायतें जा रही है, लगातार आप लोग देखोगे भी जो कंप्लेंट है वो कर रही हैं लेकिन उसका भी कोई निवारण नहीं आ रहा है इसकी तरफ से। तो इसीलिए आप लोग देखोगे जेड कैटेगरी में डाला गया
क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अब तक होल्ड हैं, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, अब क्वार्टर फोर आ रहे हैं, सभी होल्ड है। उसके पहले आप लोग देखोगे इसके ऊपर सेबी ने एक्शन लिया, ठीक है, और अभी के टाइम ये एक्सचेंजेस के एक्शन आते हुए नजर आए, जेड कैटेगरी में डाला, और निवेशकों की बहुत कंप्लेंट गई है कि रिजल्ट कब आएंगे, कब नहीं, अब तक नहीं आ रहे हैं, ये घोटाला कर दिया पीछे। तो यहाँ पर जो भी भाई फंसे हुए हैं अब उनके लिए ये भी एक बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है। अब अगर बात करें भाई डिलिस्ट को लेकर, क्या ये स्टॉक डिलिस्ट हो जाएगा? देखो भाई, अगर इंडेक्स के अंदर ही ये शामिल नहीं है तो ट्रेड कहाँ से करेगा, तो उस कंडीशन में ये डिलिस्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे कंपनी जल्द से जल्द अभी भी अपने जो भी रिजल्ट्स वगैरह है या फिर जो कुछ भी वो यहाँ पर डिस्क्लोज करती है तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये बोर्ड की तरफ से अब तक इसके ऊपर कोई भी जो ना अभी अपडेट नहीं आ रहा, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। बोर्ड ने ये जरूर बोला कि हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के, उसका रिव्यू कर रहे हैं, अब तक रिव्यू नहीं हुआ है भाई, कितना टाइम हो गया अब तक रिव्यू नहीं हुआ है, और रिव्यू होने के बाद आप लोग देखोगे इनका कहना है कि हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, लेकिन अब तक तो रिव्यू हुआ नहीं है। पीछे भी आए नोटिस में भी बोला भाई टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे अगर ये जो भी लिस्टिंग नियम है उनका पालन नहीं करेंगे तो एक्सचेंजेस तो भाई इनको बाहर ही निकालेगा, क्या कर सकता है, उसके हाथ में तो और कुछ नहीं है। तो बस यही अपडेट है। और यहाँ से जो भी निवेशक हैं, देखो भाई, जिन्होंने 14 रुपये के आसपास या फिर इस प्राइस के आसपास जिन्होंने खरीदारी की है, और ज़्यादा क्वांटिटी, देखो मैंने पहले भी आपको बोला था जिस सिचुएशन में अभी के टाइम कंपनी खड़ी है उस सिचुएशन में ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हो सके भी आपको विश्वास है कि भी स्टॉक आने वाले टाइम में चल सकता है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, भाई हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए यहाँ पर 150 से रख के चल सकते हैं। तो देखो भी 50 से रहोगे, 100 से रहोगे, इससे ज़्यादा अगर आप लोग ऐसे स्टॉक्स में लगाओगे उम्मीद से ज़्यादा तो वहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। तो पीछे भी इसको बड़े बड़े झटके मिले थे सेबी की तरफ से, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ये एक्सचेंजेस ने बड़ा झटका दिया है। तो यहाँ से इसीलिए कल के दिन स्टॉक के ऊपर दबाव था, और बाकी देखते भी मंडे के दिन कैसा माहौल बनता है, क्या खबरें आती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।